क्वेश्चन फोर, शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए डीजनरेट सॉल्यूशन। 2x1 + x2 - x3 = 2, 3x1 + 2x2 + x3 = 3। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax = b, वेयर a इज 2, 1 - 1, 3, 2, 1। x = x1, x2, x3, b = 2 and 3। n = number of variables = 3, m = number of equations। इक्वेशंस कितने गिवन है हमारे पास? 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू ncm, 3c2 = 3। सो हमारे बेसिक सॉल्यूशंस कितने होंगे? 3। वी कैन टेक ए सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 2×2, कितने आएंगे हमारे पास? 3। b1 = 2, 3, 1, 2, 2, 3, -1, 1, b3 = 1, 3, 2, 1, -1, 1। case 1, let x(b1) = x1, x2 transpose, xn = x3, that is x3 = 0। b1 में हमारे पास कौन से कोफिशिएंट थे? x1 and x2। हमारे पास x3 नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? b1 का डिटर्मिनेंट, 2 2 = 4, 3 1 = 3, 4 - 3 = 1, 1 ≠ 0। विथ x3 = 0, वी गेट x3 को 0 पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ गए, 2x1 + x2 = 2, 3x1 + 2x2 = 3। देन हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया, x1 = 1, x2 = 0, दैट इज x1 = 1, x2 = 0, x3 = 0। b2 में हमारे पास क्या है? 2, 3, -1, 1। ये हमारा x1 का कोफिशियंट है और ये हमारा x3 का। देन हमारा जो x2 है वो क्या बन जाएगा? 0। लेट xb2 = x1, x3 transpose, xn = x2, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सो b2 का ट्रांसपोज, सॉरी डिटर्मिनेंट किया, 5 ≠ 0, विथ x2 = 0। देन वैल्यूज को सॉल्व किया, 2x1 - x3 = 2, 3x1 + x3 = 5। देन माइनस के साथ प्लस कैंसिल, 2 + 3 = 5, x1 = 5, x1 = 1, x3 = 0, दैट मीन्स x1 = 1, x2 = 0, x3 = 0। case 3, लेट xb3 = x2, x3 transpose, देन xn = x1 = 0, बिकॉज b3 में हमारा x1 का कोफिशियंट नहीं था तो x1 की वैल्यू इज 0। देन b3 का डिटर्मिनेंट किया, 3 ≠ 0, विथ x1 = 0, वी गेट x2 - x3 = 2, 2x2 + x3 = 5। इन टू इक्वेशंस को सॉल्व किया था, x2 = 5/3 एंड x3 = -1/3, दैट मीन्स x1 = 0, x2 = -1/3, x2 = 5/2। हैंस ऑल द बेसिक एंड नॉन बेसिक सॉल्यूशंस आर बेसिक सॉल्यूशन x1 = 1, x2 = 0, x1 = 1, x3 = 0, x2 = 5/3, x3 = -1/3। नॉन बेसिक सॉल्यूशन क्या थे? x3 = 0, x2 = 0, x1 = 0। नेक्स्ट इज डीजनरेट सॉल्यूशन क्या होता है? एटलीस्ट xbi = 0। सो हमारे टू केस में 0 आ रहा है, देन हम क्या लिखेंगे? हैंस द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए डीजनरेट सॉल्यूशन, बिकॉज एटलीस्ट टू केस में हमारा 0 आ रहा है। सो हैंस द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज डीजनरेट सॉल्यूशंस।